गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैप्टर की वोकैबुलरी का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो इंस्टाग्राम आईडी है वहां पे जाके मेरे को फॉलो कीजिए और वहां पे मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, वहां पे मैं आपको जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है वो है, यहाँ पे देखिए, ये हमारा फर्स्ट पैटर्न है और इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, N1 व N2 दिस, यानी कि नाउन वन पार्टिकल व सब्जेक्ट मार्कर, N2 नाउन टू एंड दिस। तो हम जो सेंटेंस है उसकी मदद से सीखते हैं। वाताशिवा माना दिस, वाताशिवा मतलब आई, वह पार्टिकल है सब्जेक्ट मार्कर, माना यहाँ पे जैपनीज नेम है, दिस यहाँ पे एक तरीके से है। तो वाताशिवा माना दिस यानी कि मेरा नाम माना है या फिर मैं माना हूँ। नाम के लिए नमाय लगता है, यहाँ पर इन्होंने नहीं यूज किया, तो नॉर्मली वाताशिवा माना दिस यानी कि मैं माना हूँ। ताई नो गाक्से दिस, ये ताई नो, यहाँ पर ताई मतलब थाईलैंड, नो थाईलैंड का, गाक्से मतलब स्टूडेंट, देस हूँ, थाईलैंड का स्टूडेंट हूँ, ताइनो गाक्से देस। ऐसे यहाँ पर हमें सेंटेंस बनाने हैं। ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब हम आते हैं सेकंड पैटर्न पर। तो यहाँ पर सेम पैटर्न है लेकिन यहाँ पर लास्ट में का जो है, का पार्टिकल लगा हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन पार्टिकल होता है। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर हम का पार्टिकल लगा देते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाता है हमारा। जैसे यहाँ पर देखिए, जोनसान, जोनसान व इगिरीशु नो गाक्सेई देस का, जोनसान यहाँ पर जापानीज नेम है, वह सब्जेक्ट मार्कर, इगिरीशु मतलब इंग्लैंड, नो इंग्लैंड का, गाक्सेई देस का स्टूडेंट हो क्या। तो इन्होंने पूछा जोनसान से कि जोनसान इंग्लैंड के स्टूडेंट हो क्या, तो आंसर दिया हाई, यस। हाई मतलब होता है यस, जोनसान व एगिरी सुनो गाक्सीडेस, हाँ जोनसान इंग्लैंड का जो स्टूडेंट है। तो इगिरीशु, इगिरीशु नो गाक्सीडेस, इंग्लैंड का स्टूडेंट है। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा मारिया सान, मारिया सान व ताइनो गाक्सीडेस का, तो यहाँ पर इन्होंने का पार्टिकल लगाया, फिर से क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने आंसर दिया नहीं, ये मतलब नो मारिया सान व ताइनो गाक्से देवारी मासेन। यहाँ पर जब हम देश को नेगेटिव करते हैं तो देश को नेगेटिव देवारी मासेन होता है। जैसे अगर हम इस वाले सेंटेंस को नेगेटिव करें कि जोनसान व इगिरीशु नो गाक्से देश का, तो यहाँ पे हम इसको नेगेटिव करते हैं कि जोनसान व इगिरीशु नो गाक्से देवारी मासेन, यहाँ पर देश का देवारी मासेन हो जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड पैटर्न पर जिसमें हम सीखेंगे कोरे सोरे आरे का यूज। कोरे मतलब दिस, सोरे मतलब दैट और आरे मतलब ओवर देयर वाला दैट, यानी कि जो सब लिसनर है और स्पीकर है दोनों से अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो वहां पर हम आरे का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल पूछ रहे हैं कोरे वा, कोरे जो है दिस, वा पार्टिकल है सब्जेक्ट मार्कर, कोरे वा निहोन मतलब जैपनीज, निहोन नो मतलब जापान का, तो केई दिस, तो कई मतलब वॉच। तो यहाँ पर कोरे वा निहोन नो तोके देस कि दिस इज अ जैपनीज वॉच, कि यह जापान की घड़ी है। सेकंड वाला सोरे वा, सोरे मतलब दैट, कि जो हमार से कोई चीज दूर रखी है, मतलब जो स्पीकर है उससे कोई चीज दूर है तो वो सोरे का यूज करेगा। सोरे वा चुगोकु नो राजो देस, चुगोकु मतलब चाइना और चुगोकु नो मतलब चाइना का, तो सोरेवा चुगोकुनो राज्य मतलब रेडियो देश है, यह कोरे सोरेवा चुगोकुनो राज्य देश, वह चाइना का रेडियो है। अब यहाँ पे आरे, आरे वा अमेरिकानो तेरे भी देश, आरे मतलब ओवर देयर वाला दैट, यानी कि जो स्पीकर लिसनर है दोनों से अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो यहाँ पर वही कंडीशन है कि आरे वा अमेरिका, अमेरिका नो तेरे भी देश, तेरे भी मतलब होता है टेलीविजन, अमेरिकानो मतलब अमेरिका का, तेरे भी देश कि जो वह वहाँ पर
जो रखा है वो अमेरिका का टेलीविजन है। अब आते हैं हम फोर्थ पैटर्न पर, जिसमें हम सीखेंगे कोनो सोनो आनोकल। कोनो सोनो आनो में अब कोनो निहोन नी निहोन गो। अब हम आते हैं फोर्थ पैटर्न पर, इसमें हम सीखेंगे कोनो सोनो आनो मतलब दिस दैट दैट। ये भी दिस दैट दैट है और ये भी दिस दैट दैट है, बस फर्क इतना है कि ये हम नॉर्मल यूज करेंगे और ये हम नाउन के साथ यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ना एन, तो इसका यूज नाउन के साथ होगा। जैसे कोनो नी कोनो होन, यानी कि दिस बुक कोनो होन वा निहोन कोनो होन दिस, कि दिस इज अ जापानीज लैंग्वेज बुक कोनो होनवा। यह है बुक, सब्जेक्ट मार्कर पार्टिकल, निहोंगो मतलब जापानीज लैंग्वेज, निहोंगो नो जापानीज लैंग्वेज की होन दिस बुक है। ऐसे यहाँ पर सोनो मतलब दैट, शिम्बुन वा सोनो शिम्बुन वा, शिम्बुन मतलब न्यूज़पेपर, चुगोकु गोनो यानी चाइनीज लैंग्वेज का शिम्बुन दिस न्यूज़पेपर है। तो सोनो शिम्बुन वा चुगोकु गोनो शिम्बुन दिस। आनो मतलब दिस दैट दैट वाला, ओवर देयर दैट वाला है। बस फर्क इतना है, नाउन लगाएंगे। जैसे ही कोनो सोनो आनो का यूज करेंगे उसके जस्ट बाद नाउन का यूज होगा। जैसे आनो टेपू, टेपू मतलब होता है टेप रिकॉर्डर। टेपू वा एगो नो, एगो होता है इंग्लिश लैंग्वेज, तो एगो नो इंग्लिश लैंग्वेज की टेपू दिस टेप रिकॉर्डर है, कि वह जो वहां पर टेप रिकॉर्डर है वो इंग्लिश लैंग्वेज का टेप रिकॉर्डर है। ऐसे ही यहाँ पे नीचे ओनो काता, ओनो काता मतलब दिस पर्सन, काता मतलब होता है पर्सन। ओनो कातावा सब्जेक्ट मार्कर, ओनो कातावा निहोन गो नो सेंसेई दिस। निहोंगो मतलब जापानीज लैंग्वेज, नो मतलब जापानीज लैंग्वेज के, सेंसेई यानी टीचर, दिस टीचर है। तो ओनो कातावा निहोंगो नो सेंसेई दिस, वह पर्सन जापानीज लैंग्वेज का टीचर है। तो यहाँ पर सोनो, सोनो काता मतलब जो दूर खड़ा है, आपसे कोई दूर खड़ा है। सोनो कातावा चुगोकु गोनो सेंसेई दिस, जो वह पर्सन है वो चाइनीज लैंग्वेज का टीचर है। चुगोकु गोनो सेंसेई दिस। ऐसे यहाँ पे आनो कातावा एगोनो सेंसेई दिस, जो स्पीकर लिसनर है दोनों से ही दूर खड़ा है, तो हम बोले जो वह वहां पर खड़ा है वो पर्सन एगो नो इंग्लिश लैंग्वेज का सेंसेई दिस टीचर है। गाइज इस वीडियो में थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम हुई है, तो उसके लिए रियली सॉरी। नेक्स्ट वीडियो से ऐसा नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।